हे गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं टेक प्रतीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 9 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सबसे धमाकेदार फीचर के बारे में, जो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको मिल रहा है हीलियो G70 एंड G80 का सक्सेसर, दैट मीन्स उससे ज़्यादा दमदार प्रोसेसर जो है हीलियो G85। इस फ़ोन का N22 स्कोर है 2,05,000। दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। इसमें अमोल्ड डिस्प्ले नहीं है। रेडमी नोट 9 पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है और इसमें आपको लेफ्ट साइड में पंच होल देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। बात करें कैमरा की, तो इसमें आपको क्वैड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, f1.8 अपर्चर है, साथ ही इसमें आपको सैमसंग का GNI1 सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 180 डिग्री अल्ट्रा वाइड के साथ में। बात करें थर्ड कैमरा की, तो वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और साथ ही है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब बात करें बैटरी की, तो इसमें बड़ी बैटरी मिलती है 2050 mAh की। वहीं साथ में आपको मिलता है 22.5 W का चार्जर, बट Redmi Note 9 सपोर्ट करता है 18 W की फास्ट चार्जिंग को। NFC सपोर्ट है, IR ब्लास्टर ड्यूअल 4G वॉल्टी है, Wi-Fi सपोर्ट करेगा, ड्यूअल सिम कार्ड्स हैं। अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो वो बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप के जस्ट नीचे रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। Redmi Note 9 आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। बात करें बेस वेरिएंट की, तो इसमें आता है 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में रहने वाला है अप्रॉक्स 12,000 के करीब, और इसका हायर वेरिएंट है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 14,000। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें। थैंक यू।